जिन्होंने देश को जो है जेल में परिवर्तित किया था। आज जो है वो उसी प्रवृत्ति से, क्योंकि सरकार नहीं है उनके हाथ में, देश की जनता ने उनको 3 बार जो है वो नकार दिया है, पिछले 10 साल से जो है वो सत्ता में नहीं है, इसलिए बौखलाहट में जो आज देश के खिलाफ जो है वो विदेश में भी जाते हैं तो वहाँ देश के खिलाफ जो है वो स्टेटमेंट दे करके आते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिन्होंने इमरजेंसी जब लगी तो उनके बड़े नेता अंदर हो गए, लेकिन बाकी जो आम कार्यकर्ता थे उन्होंने सत्याग्रह किया था उस वक्त, जेल के शिक्षकों के पीछे जगे थे, और जब जब भी जो है आवश्यकता पड़ी है देश में लोकतंत्र के लिए तो हमेशा जो है कुर्बानियां दी हैं, और उस वक्त जो है वो हजारों लोग जो है वो जेलों में चले गए, लाखों लोगों के ऊपर जो है तशद्दुद हुआ, अत्याचार हुआ, पुलिस की यात्राएं जो हैं वो सहन करनी पड़ी। इस प्रकार की जो है वो घटना के बाद जो है आज 50 साल हैं हुए हैं, और ये याद रखने की ज़रूरत इसलिए है कि जो लोग इस तानाशाही को लगाने के मुल्ज़िम हैं वो आजकल जो है वो संविधान की किताब लेकर के जो है वो तानाशाही और लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र तो इनकी अपनी पार्टी के अंदर नहीं होता है, कांग्रेस में जो है वो गलती से एक बार सीताराम केसरी जो है वो अध्यक्ष बन गए थे, हालांकि वो पहले कोषाध्यक्ष बड़े खास आदमी थे, लेकिन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सीताराम केसरी को वर्चुअली स्टेज से उठा करके फेंक दिया गया था। ये आप अपने जो है वो अखबारों को जो है वो निकाल करके पढ़िए, इनको देखिए। नरसिम्हा राव, लाल बहादुर शास्त्री थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, ताशकंद में मृत्यु हुई, कैसे हुई कोई पता नहीं, लेकिन नरसिम्हा राव हैं, उनको तो दिल्ली में इन्होंने जो है वो जगह तक नहीं दी समाधि बनाने के लिए, उनको जो है वो अंतिम यात्रा भी उनकी हैदराबाद में करनी पड़ी उनको। तो इसलिए जो है वो 50 वर्ष का जो ये कार्यकाल है उसके बाद जनता पार्टी है, देश की जनता हिंदुस्तान की जो है वो लोकतंत्र के प्रति और बहुत अवसर की तलाश में रहती है। 19 महीने बिल्कुल जो है वो गुम था, इनके तशद्दुद अत्याचार सहन करते रहे, लेकिन जैसे ही मौका मिला, चुनाव आया, पहला चुनाव आया, तो अटक से लेकर कटक तक हिमाचल में जहाँ कभी जो है लोकसभा में कोई दूसरा आता ही नहीं था कांग्रेस के अलावा, वहाँ भी 4 की 4 सीटें जो है वो कांग्रेस हार गई। बालक राम जी जैसे नए आदमी जो है यहाँ पर चुनाव जीत गए थे, और यहीं पर नहीं, रायबरेली और अमेठी का तो मैंने बताया ही है कि वहाँ पर भी वो सीटें हार गए, और सारी जो है वो अटक से कटक तक जिसको हम शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो है वो नारा लगता था अखबारों में ही कि भी 1 कांग्रेसी पाओ 1,000 रुपया इनाम पाओ। तो देश की जनता जो है लोकतंत्र के प्रति जो बड़ी सजग है, इसलिए देश की जनता ने जो है वो उस सारे तशद्दुद को जो है वो महसूस भी किया और उसको बर्दाश्त भी नहीं किया, और उसका जो है भरपूर बदला जो लिया है। तो इस प्रकार की जो है वो नरगल जो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं उसके इस संदर्भ में जो है वो बड़ी प्रासंगिक है कि कौन लोग इस प्रकार की जो है वो बात कर रहे हैं, ये देश की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। इमरजेंसी पर मुझे इतना ही कहना था, आपको कुछ पूछना हो तो बता सकता हूँ। इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। आज
भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जिस संविधान की ड्राफ्टिंग हुई थी और भारत लोकतंत्र के रूप में दुनिया में जो है वो प्रख्यात और प्रस्थापित हुआ था, जिस देश में आम जनता को संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे, और जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जिसके आप यहां प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उन सब पर जो कुठाराघात हुआ था, आपकी आवाज को बंद कर दिया गया था, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, उसके पूरे 50 वर्ष आज जो है वो होते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा, उस समय की कांग्रेस की नेता, भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए देश में लोकतंत्र को समाप्त करके तानाशाही का शासन जो है वो लागू किया था। पच्चीस जून की रात के 12 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति को जगा करके उस उद्घोषणा पर रात के अंधेरे में दस्तखत कराए गए थे, जिससे सारे देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाता था। और हिंदुस्तान के सभी बड़े विपक्ष के नेता और कांग्रेस के भी ऐसे नेता जिन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी पसंद नहीं करती थी, उन सबको जेल के सीक्सों के पीछे डाल दिया गया। इस वार्ता में हमारे साथ जो हैं वो दीपक शर्मा जी हैं,